अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नवीद अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन रिश्ते। तो दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो के थंबनेल पर भी देख लिया होगा, आज की जो मेरी वीडियो है जिस रिश्ते के मुतल्लिक, वो चित्राल से है। चित्राल के मुतल्लिक जो भी भाई दिलचस्पी रखते हैं वहाँ पर शादी करने में, तो आप सब के लिए मेरी आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, मुकम्मल देखना है, ताकि अगर आप चित्राल में शादी करना चाहते हैं, चाहे आपके पहली करना चाहते हैं या दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या शराइत होती हैं और उसके लिए आपकी कितनी तालीम रिक्वायर्ड होती है या आपकी जो आमदनी है वो कितनी रिक्वायर्ड होती है, तो आप चित्राल में कर सकते हैं, या इतना आपको कैसे पता चलेगा क्या वहाँ पे रिश्ता करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, तो इस बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल ए टू जेड सारी चीज़ें तफसील से बताऊंगा। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो अगर आप इसके अलावा भी अपने लिए या अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए पाकिस्तान के किसी भी शहर में, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, बाकी जो जितने फेमस सिटीज़ हैं उनमें आप अगर अपने लिए या अपने फैमिली मेंबर के लिए रिश्ता चाहते हैं, तो आप तब भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा। अदरवाइज ऑनलाइन रिश्ते फेसबुक पेज, ऑनलाइन रिश्ते इंस्टाग्राम पेज पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे भी ऑनलाइन रिश्ते पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बग़ैर वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं आज के इस चित्राल के रिलेटेड वीडियो के चंद जो ज़रूरी हदायत हैं या चंद जो ज़रूरी नोट्स हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग रिश्ता करते हैं उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और यहाँ पे शादी एक्सपेंस ज़्यादा क्यों होते हैं, महंगी क्यों होती है, ये अक्सर लोगों का सवाल होता है। जब फीस ज़्यादा सुनते हैं तो हर बंदा यही सोचता है कि शायद ये फ्रॉडिया है या शायद ये फेक वीडियो बनाता है जिस वजह से ये अमाउंट ज़्यादा बताता है, लेकिन उसकी वजह है, कुछ रीज़न है जिस वजह से यहाँ पर शादी करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो हर बंदा यही कहता है कि आप जब भी बात करते हो तो 5 लाख 7 लाख से नीचे आप बात ही नहीं करते हो कि इतने में शादी होगी, इतने में होगी। तो मेरा भाई, मेरे पास हर किस्म की सर्विसेज मौजूद हैं, 3000 से शुरू होती है सर्विसेज, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ कैलाश, चित्राल और कैलाश में करने के लिए दोस्तों जो मेन रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप अगर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो इशू नहीं होता, फर्स्ट मैरिज है, सेकंड मैरिज है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर दूसरी शादी आप करना चाहते हैं तो आपके पास शहर में ही आपके पास दूसरा ज़ाती घर आपका होना चाहिए, इसमें बीवी का और आपकी फैमिली का रजामंद होना शर्त होती है। चाहे फर्स्ट भी आप कर रहे हो तो उसमें भी फैमिली का रजामंद और फैमिली का इन्वॉल्व होना शर्त होती है, आप खुफिया तरीके से जो शादी होती है वो नहीं कर सकते। चित्राल और कैलाश में अगर आप शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए ये शर्त ज़रूरी है कि आप अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, क्योंकि वहाँ पे शादी करना इतना आसान नहीं है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, सिक्योरिटी पहले आपको जमा करवानी होती है। चित्राल में आप अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप रहीम यार खान आएँगे, रहीम यार खान में जब आपको आने का इरादा हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं बाकायदा तौर पर आपको अपने ऑफिस की लोकेशन दे दूँगा, वहाँ पर मेरी पार्टनर बैठती हैं, तो वहाँ पे आप जाके आमने सामने मुकम्मल तफसील लें वहाँ की। अगर वहाँ मुतफिक होते हैं जाने में तो बेशक उसके बाद आप एडवांस फ़ीस जो होती है वो जमा करवाएं। तो चित्राल के लिए एडवांस फ़ीस में जो है वो ऑनलाइन आप लोगों से नहीं लेता, बेशक आप पहले विज़िट कर लें हमारे ऑफिस, अगर आपका माइंडसेट माने तो आप वहाँ के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज़ हमारे पास पाकिस्तान के तमाम शहरों के रिश्ते मौजूद होते हैं। तो ये तो उन लोगों के लिए है कि मिसाल के तौर पर जिनकी एज 45 है या 40+ है और वो चाहते हैं कि थोड़ी सी कम उम्र जो है लड़की से उनकी शादी हो जाए, तो एक होता है, हर एक बंदे का माइंडसेट होता है, और कुछ लोग ये चाहते हैं कि गरीब घराने से बच्ची होनी चाहिए जो मतलब आगे की ज़िंदगी सुकून से रहेगी अगर वो गरीब घराने से होगी, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे गरीब लोग भी ज़्यादातर हैं और कम पढ़े लिखे भी हैं, तो कम पढ़ी लिखी जो होती है बच्ची वो ज़्यादातर घर को संभालती है और अपने शौहर की रिस्पेक्ट भी करती है, इज्जत भी करती है, तो इस वजह से ज़्यादातर लोग वहाँ पे करते हैं। और सेकंड मैरिज में भी यहाँ से आसानी से आपको सिंगल जो है बच्ची का रिश्ता मिल जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का बाकी शहरों में करेंगे तो आप डाइवोर्स हैं तो आपको डाइवोर्स ही मिलेगी, सिंगल नहीं मिलेगी, आपकी एज ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा एज में ही मिलेगी, उससे कम वाली में नहीं मिलेगी। इस वजह से लोग चित्राल का रुख करते हैं या कैलाश का या गिलगित का रुख करते हैं,
क्योंकि यहाँ पे सीन ये है कि हमारे यहाँ कल्चर में और वहाँ में थोड़ा सा फ़र्क है। वहाँ पे वलीमे वगैरह में या दुल्हन के लिए जिस तरह की शॉपिंग वगैरह या जो खाना पकाना वहाँ का जो भी सिस्टम है, तो इस सारे के एक्सपेंस जो होते हैं वो लड़के वाले ही अफोर्ड करते हैं। अगर बात रिश्ते की बीच में चलेगी और उनकी फैमिली में से कोई आपके यहाँ विज़िट करने आएगा, तो इस पे भी जो एक्सपेंस होते हैं ये लड़के वाले ही बर्दाश्त करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिला के जिस वजह से ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है, क्योंकि आपको पता है आजकल नॉर्मली अगर 10 बंदों का खाना पकाया जाए तो इस महंगाई के दौर में उस पर कितना खर्च आ सकता है। तो वो अपनी कौम कबीले को बिरादरी को पूरी को बुलाते हैं और पूरा एक शादी का जो वलीमा और वलीमे का एक सिस्टम होता है तो उसको सही एक आलीशान तरीके से करते हैं। तो पठानों का और इन लोगों का आपको पता है थोड़ा सा मुख्तलिफ खाने बनाते हैं, जिस वजह से इस पर थोड़े से एक्सपेंस पड़ते हैं, जिस वजह से यहाँ की शादी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। तो अगर आप यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ के लिए ज़रूरी है कि आपकी आमदनी जो है वो मंथली जो है आपका ऐसा बिज़नेस हो कि आपकी आमदनी 3.5-4 लाख होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप पाकिस्तान के दूसरे शहरों में अप्लाई कर सकते हैं अपने रिश्ते के लिए। वहाँ पे आपको आसानी से अगर आपकी पे 50,000-60,000 भी है तो आपको रिश्ता आसानी से मिल जाएगा, लेकिन वो फिर आपकी मैचिंग के मुताबिक होगा। तो उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं और वहाँ पे आप अगर करेंगे तो लड़की की पिक्चर होती है वो भी दिखाई जाती है, फैमिली से विज़िट करने से पहले कॉल पे बात भी करवाई जाती है। लेकिन चित्राल में ये सीन होगा कि आप जब बात क्लियर हो जाएगी, आने जाने का टिकट आप करवाएंगे, वहाँ पे होटल में स्टे होगा तो उसके अखराजात भी आप बर्दाश्त करेंगे, खाना वगैरह ये सारे कुछ एक्सपेंस आप ही बर्दाश्त करेंगे। पिक्चर नहीं दिखाई जाएगी यहाँ पे, ना ही डायरेक्ट फैमिली से बात करवाई जाएगी, आप हमारे साथ चलेंगे वहाँ पे। हमारे पास जो हमारे अटैचमेंट में हमारे रिलेटेड फैमिलीज वहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ कॉन्टेक्ट में होती हैं, तो नहायत ही मुनासिब किस्म के रिश्ते हैं। वहाँ पे हम जाएंगे, आपको इज़्ज़तदार तरीके से बिठाएंगे, उन फैमिली से मिलवाएंगे। तो जहाँ भी आपका माइंडसेट बनेगा जिस भी रिश्ते में, तो फिर वहाँ पे दुआ खैर होगी, वापस आप आ जाएंगे जो भी आपको रिश्ता जो है पसंद होगा। तो उसके बाद जो आप अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दे के आएंगे तो उसकी तस्दीक के लिए उनके घर में से कोई ना कोई आएगा, वो जब वेरिफिकेशन मुकम्मल कर लेगा तो उसके बाद नेक्स्ट आगे निकाह का प्रोसीजर होगा। इस पे 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं। टोटली ये काम जो होगा हमारी ज़िम्मेदारी में होगा, एक एक चीज़ की हमारी ज़िम्मेदारी होती है, हम बग़ैर ऐसी छानबीन के या कोई इस तरह का काम नहीं करते। अगर इस चीज़ में एक्सपेंसिव है तो हर एक चीज़ की हमारी ज़िम्मेदारी भी होती है। जब हम आपकी रिक्वायरमेंट डिमांड पूरी कर रहे होते हैं तो उसकी वजह यही होती है कि हर एक एरिए के अपने अखराजात होते हैं, जिस वजह से जहाँ पे शादी एक्सपेंसिव भी है आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप दूसरे शहरों में रिश्ते के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे आपको आसानी से और कम जो है अखराजात में कम एक्सपेंस में आपका रिश्ता हो जाएगा। तो अगर आप चित्राल में रिश्ता करने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने जब भी मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, चंद चीज़ें आपने मुझे सबसे पहले भेजनी है तो मैं आपको रिस्पांस करूंगा। वीडियो कॉल मुझे ना किया करें, ऑडियो कॉल ना किया करें, वॉइस मैसेज भी ना किया करें। पहला मैसेज जो आप करते हैं, आप अपना नाम टाइप करें, एज टाइप करें, एजुकेशन टाइप करें, अपनी इनकम टाइप करें, अपना सिटी का नाम टाइप करें, घर का साइज़ टाइप करें, घर कितने मरले का है, साथ ही है, रेंट का है, ये चीज़ें मैंशन करें और साथ में ये बताएँ कि आपको रिश्ता कहाँ से चाहिए, कौन से शहर से चाहिए, किस कबीले से चाहिए, लड़की की तालीम कितनी हो, एज कितनी हो, ये चीज़ें आपने उसमें लिखनी हैं। उसके बाद बेशक आप बताएं कि आपका जो तरीका कार है रिश्ता करवाने का, हम उससे मुतफिक हैं, लिहाजा आप हमारे लिए मुनासिब सा रिश्ता हमें दिखाएं। तो उसके बाद मैं ज़रूर आपसे कांटेक्ट करूंगा। आप डायरेक्टली मुझे कॉल या वीडियो कॉल ना किया करें, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक क्लाइंट की बिना कुछ जान पहचान के जो है बिना कुछ मालूम लिए उससे बात करूँ, तो मैं इस तरह हर एक से बात नहीं कर सकता, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। हर एक कमेंट्स के भी मैं जवाब नहीं दे पाता, जिस वजह से मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं, तो जब आप मुझसे ज़रूरी बात इंपॉर्टेंट बात करेंगे तो मैं ज़रूर आपको आंसर करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दोस्तों से शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेकबान।